हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है एंगुलर मेजरमेंट, जिसके अंदर हम एंगल को मेजर करने वाले डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है ऑटो कॉलीमेटर, जिसको आज मैं समझाने वाला हूँ। यदि फ्रेंड्स आप ऑटो कॉलीमेटर को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो मैं डाल चुका हूं, और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है EMMP / मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के नाम से, वहां से भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो स्टार्टिंग में जो टॉपिक लिखा है फ्रेंड्स, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ऑटो कॉलीमेटर, ऑटो कॉलीमेटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। क्या है? ऑटो कॉलीमेटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो कॉलीमेटर के सिद्धांत पर काम करता है। जो क्या करता है? कॉलीमेटर के सिद्धांत पर काम करता है, और जिसकी सहायता से हम छोटे से छोटे एंगल को मेजर कर सकते हैं, किसी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, किसी जो भी हमारे टूल्स रहते हैं उनके अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं, जो भी हमारे मैकेनिकल के पार्ट्स हैं उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, छोटा सा छोटा डिफ्लेक्शन है, उसको भी चेक कर सकते हैं हम ऑटो कॉलीमेटर की सहायता से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके डायग्राम को समझाऊंगा। तो ध्यान से सुने इसकी डेफिनेशन के बारे में और डायग्राम को। तो फ्रेंड्स ऑटो कॉलीमेटर, जैसे मैंने बताया, कॉलीमेटर के सिद्धांत पर काम करता है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? छोटे से छोटे एंगल के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया मैकेनिकल के पार्ट्स के अंदर जो भी डिफ्लेक्शन होता है उसको चेक कर सकते हैं, जो भी हमारे ऑप्टिकल कंपोनेंट है उसके अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं, उनको उनके एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें होता फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन होता किसका? टेलीस्कोप का और ऑटो कॉलीमेटर का। किसका? कॉलीमेटर और टेलीस्कोप का कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हम लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं एक ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से। क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं एक ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से। रिफ्लेक्ट कहां पर कराते हैं? जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें एंगल मेजर करना हो उस पर रिफ्लेक्ट कराते हैं, और हम ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहां पर दिखती है? एक हमारा आईपीस होता है जिसमें उभरी हुई दिखती है, उस उभरी हुई को हम कैसे पढ़ते हैं? टेलीस्कोप की सहायता से। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स, जिसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, सिर्फ इस डायग्राम को ही समझना है। तो ये चलते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं, फिर आपको इस डायग्राम को समझाता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर एक डायग्राम बड़ा दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के नाम का इंट्रोडक्शन करा देता हूं, इसके बाद इसकी पूरी वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल समझाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लैंप लगा दिख रहा होगा जो लाइट सोर्स के लिए यूज करते हैं, ये यहाँ से लाइट को हम आगे भेजेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा टारगेट ग्रेट क्यूल, ठीक है, जिससे टारगेट कराते हैं हम कि कहां पर हमें लाइट को टारगेट करा। यहाँ लिखा बीम स्प्लिटर, बीम स्प्लिटर का काम है कि हमारी जो लाइट आएगी उसको 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कराना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है फ्रेंड्स कि फोकस कराना लाइट को जहां पर हम डालना चाहते हैं। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है जिसे हम वर्कपीस बोलते हैं, जिसका हमें एंगल मेजर करना होता है। इसके बाद यहाँ पर माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर आप जानते हैं किसी भी रीडिंग को हम यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आईपीस लगा हुआ कि जहां से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो यहाँ पर हम रीडिंग को एक उभरी हुई दिखने लगती तो आराम से देख सकते हैं, देख इसकी सहायता सकते हैं। टेलीस्कोप लगा रहता है उसकी सहायता से, इस सेटिंग ग्रेट क्यूल रहता है जिसकी सहायता से पूरा ये जो सिस्टम रहता है अंदर को इसको सेट कर सकते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे फ्रेंड्स, उसको ध्यान से समझें। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल फिर वर्किंग। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका, इसको ध्यान से समझें। यहां पर आपको दो लाइनें दिख रही होंगी, एक सॉलिड लाइन दिख रही होगी क्लियर, एक डॉट डॉट लाइन। इन दोनों के डिफरेंस को आपको ध्यान से समझना, किसको? सॉलिड लाइन की और जो डॉट डॉट लाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमारा रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये वर्क पीस लगा हुआ है जो कि स्ट्रेट लगा हुआ है सही पोजिशन में, जिनमें जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। हम यहाँ से लाइट सोर्स को भेजते हैं आगे की ओर, जो क्या है बीम स्प्लिटर है, उस पर इम्पैक्ट होती है, इमिट होती है, वहां से 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? फोकस कराता है रिफ्लेक्टर के ऊपर या वर्कपीस के ऊपर।
हम जो सॉलिड लाइन की बात कर रहे हैं, याद रखें किसकी सॉलिड लाइन, यदि उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई भी एंगल पे टिल्ट नहीं है, तो यह लाइट क्या होगी, वापस उसी रास्ते से जिस रास्ते से आई हुई है उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, जो आपको यहाँ पर एरो दिख रहे हो इसी रास्ते से वापस हो जाएगी और आई पीस में उभरा हुआ दिखेगा, जो लाइने यहाँ पर दिख रही होगी, जिसको टेलीस्कोप की सहायता से पढ़ सकते हैं कि कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, जो भी रीडिंग है उसको नोट कर लेंगे, ऐसा बोल सकते हैं तो ठीक है। लेकिन यदि इस रिफ्लेक्टर को हम किसी एंगल पर टिल्ट करा दें, थोड़ा सा झुका दें, तो क्या होगा, तो फिर लाइट सोर्स आएगा नीचे और जो बीम स्प्लिटर है उससे रिफ्लेक्ट होगा, उसी तरह जैसे कि जब सही से इसको रखा था, जब था जब एंगल पे टिल्ट कराया तब भी यहां से 90 डिग्री पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू यहां पर फोकस कराया जाएगा इस रिफ्लेक्टर के ऊपर, लेकिन उस जगह इंपैक्ट नहीं होगा, उससे कुछ एंगल पर रिटर्न होगी। तो यहां से जो एक विदाउट डॉट डॉट लाइन दिख रही, उससे कुछ एंगल पर हमारी डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही होगी, ये डॉट डॉट वाली शो करा रही जब हमने किसी एंगल पे इसको रिफ्लेक्ट कराया, ठीक है। तो इस पे टिल्ट किया एंगल पे, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा जो कि इससे डबल होता है, 2 थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर डॉट डॉट पे जाएगी, तो यहाँ पर आईस पीस में इसको इसकी रीडिंग दिखेगी और टेलीस्कोप की सहायता इसकी रीडिंग पढ़ सकते हैं, और दोनों में जो डिफरेंस होता है वही निकालेंगे हम कि हमारा कितना एंगल टिल्ट है, कितना एंगल शो करा रहा है। ये होता वर्किंग प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग को भी ध्यान से समझें। कॉलिमीटर का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इससे पहले मैंने वीडियो डाले उसमें पढ़ लें कि क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट का एंगल मेजर करते हैं उसकी जगह उसी तरह का एक पीस हम लेते हैं जो कि यहां पर सेट करते हैं, जो रिफ्लेक्टर की जगह हम क्या करते हैं, जो लैंप से लाइट सोर्स यहां पर डालते हैं उससे क्या करते हैं, यहां पर बीम स्प्लिटर से लाइट जाएगी उस रिफ्लेक्टर पर, जो वर्क पीस की तरह यहां पर लगाया हुआ है डमी पीस, उससे रिफ्लेक्ट करके आगे की ओर जाएगा, आईपीस के अंदर जाएगा, आईपीस से हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप की सहायता से उस रीडिंग को नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि कितना एंगल शो करा। फिर हम क्या करेंगे, उस रिफ्लेक्टर की जगह जो ओरिजिनल हमारा वर्कपीस है जिसका एंगल मेजर करना है उसको रिप्लेस कर देंगे सेम पोजिशन पर, याद रखें सेम पोजिशन पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एंगल का डिफरेंस है, तो यहां से फिर से लाइट सोर्स आएगा और फिर से उस पर जो भी हमारा इसके थ्रू रिफ्लेक्ट होगा 90 डिग्री पर ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू फोकस होगा, और मान लिया मैंने ये जो हमारा ओरिजिनल पीस है जिस पे क्या होगा वह लाइट सोर्स पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो कुछ ना कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जो कि मैंने बताया इस तरह का एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, जो डॉट डॉट लाइन मैंने मान ली। तो यह रिफ्लेक्ट होकर कहां पर जाएगी, सीधे ये आई पीस में जाएगी, आई पीस में हम टेलीस्कोप की सहायता से उसकी भी रीडिंग पढ़ लेंगे। तो जो मैंने डमी पीस लगाया था उसकी रीडिंग नोट की थी और जो मैंने ओरिजिनल वर्कपीस लगाया उसकी रीडिंग नोट कर ली, तो दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, वही क्या होता है एंगल, क्या हमें इस एंगल को मेजर करना था, कितना एंगल आया, कितनी उसने या तो फ्लैटनेस चेक कर रहे हो या अलाइनमेंट चेक कर रहे हो, तो ऐसे हम चेक करते हैं। समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा फ्रेंड्स कि क्या करते हैं, हम पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्कपीस है उसकी उसी तरह का एक डमी पीस से हम चेक कर लेते हैं पोजिशन, ठीक है, और रीडिंग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ओरिजिनल वर्कपीस को उसकी जगह रिप्लेस करके हम उसके एंगल को चेक करते हैं और दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, वही हमारा एंगल का डिफरेंस होता है, एंगल होता है। अब फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन को भी पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स यहां पर कुछ एप्लीकेशन लिखी है, लिखा चेकिंग स्ट्रेटनेस ऑफ मशीन टूल स्लाइड वे, मतलब उसकी स्ट्रेटनेस को चेक कर सकते हैं, मतलब एकदम अलाइनमेंट में सीधी रेखा में, मेजरिंग वेरी स्मॉल एंगल, मतलब छोटे छोटे एंगल को मेजर कर सकते हैं, चेकिंग पैरेललिज्म मतलब समानता को चेक कर सकते हैं, उसकी चेकिंग स्क्वायरनेस ऑफ कॉलम बेस जो भी हमारे कॉलम रहते हैं उसकी स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं, चेकिंग फ्लैटनेस ऑफ बेड प्लेट और सरफेस की जो भी फ्लैटनेस है जो होती है उसको चेक कर सकते हैं, मेजरिंग वेरी स्मॉल जो भी हमारे मैकेनिकल पार्ट्स है उसके जो छोटे छोटा डिस्प्लेसमेंट है उसको भी चेक कर सकते हैं, चेकिंग स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की, आप इसको फिर से डायग्राम को अच्छे से नोट करें क्योंकि डायग्राम मेन होता है, जैसे मैंने समझाया उसी तरह आपको इसको पढ़ना है और उसी तरह आपको लिखना है, सभी इसके पार्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, MPMM है, PPC है, MTT है, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्टों के मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। याद रखें सभी वीडियो मैंने सिस्टम से जमा रखे हैं, तो यूनिट बाय यूनिट जमा रखे हैं, आपको सिर्फ सीरियल से स्टडी करना है जिससे आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वीडियो कहाँ पर जमा हुआ है, मैं सही स्टडी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ,
तो आप इससे टेंशन फ्री रहें। सारी वीडियो में चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज जमा रखें कि आप सीधा वीडियो एक एक के बाद एक खोल के आराम से स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।